सो हेलो गाइस, आज मैं आपको टूर दूंगा कि बेंगलोर में जो पीजीज रहते हैं वो कैसे रहते हैं। अधिकांश मतलब कि अधिकांश लोग बैचलर्स रहते हैं, कॉलेज से पास आउट रहते हैं और रिसेंटली वो जॉब करने के लिए आते हैं, पुणे या बेंगलोर रहते हैं, हैदराबाद रहते हैं, तो उनके मोस्टली रूम्स कैसे रहते हैं। तो ये पहला एक्सपीरियंस होता होएगा आई थिंक यूट्यूब में कोई नहीं दिया होगा जहाँ पे पहले से बंदे लोग रह रहे हैं और वो अपना एक्सपीरियंस बताएंगे कि किस प्रकार से वो रहते हैं बेंगलोर में माँ बाप से दूर, और उनकी बैचलर लाइफ कैसे रहती है एक स्टूडेंट लाइफ से अलग। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली क्या रहता है, जो स्टूडेंट लाइफ रहती है, जो मतलब जब कॉलेज में पढ़ते हैं तो ऑब्वियसली उधर क्या होता है, पूरा एक बेड रहता है, या बेड नहीं रहता है, सिंपली उधर बस नीचे बेड बिछा के सोते हैं। बट जब बेंगलोर में आते हैं जो पीजी लाइफ होती है थोड़ा डिफरेंट रहता है। जो मैं आपको रूम दिखा रहा हूँ ये इसमें 3 बेड का रूम है, ठीक है, तो 3 बेड शेयरिंग है, बट इसमें 2 ही बंदे रहते हैं। इट मीन्स जो तीसरे बंदे का जो पे करते हैं वो आधे आधे दोनों करते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट जो रेंट है 5.5 से स्टार्ट होता है 3 शेयरिंग का, बट बहुत ही रेयर केस है आपको 5.5 मिलेगा। मोस्टली 6,500 से स्टार्ट होता है जो कॉमन है हर जगह, या 6,000 रहता है, फैसिलिटी के ऊपर डिपेंड रहता है। जो अभी हम पे कर रहे हैं 8,000 इस बेड का, 8,000 इस पर बेड का, सॉरी 8,500 पर बेड का हम पे कर रहे हैं क्योंकि हम 2 शेयरिंग ले रहे हैं। ठीक है, ये देख ले, पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ रूम में क्या क्या है। ठीक है, चलो ये उस बंदे का बेड है जो मेरे साथ रह रहा है, ये मेरा बेड है। ठीक है, टेबल हम लोगों ने खरीदी है, ये पीजे से मिली है। ठीक है, एक बेड में एक आपको खूंटी मिलती है जहाँ पे आप कपड़े पड़े, बाकी एडिशनल हम लोगों ने लगाया है। मोस्टली टीवी मिल जाती है बेंगलोर में, सबसे अच्छा तरीका, सबसे अच्छी जो चीज़ है बस ये है कि आपको टीवी मिल जाती है, बट यू नो कोई टीवी नहीं देखता यार। हाँ, अगर क्या आप आईपीएल के शौकीन हैं, टीवी के शौकीन हैं, तो आप देख सकते हो, टीवी मिलती है, बट इसको रिचार्ज करवाना पड़ता है यार, इसका पैसा देना पड़ता है। नेट अच्छा खासा मिल जाता है, स्पीड मिलती है 5G बैंड की स्पीड मिलती है, तो ऑब्वियसली हम लोग मोबाइल पे ही काम चला लेते हैं, ज़्यादा होता लैपटॉप में चला लेते हैं। बेंगलोर पीजी की खासियत यह है कि जहाँ पे भी आपको बेड रहेगा उधर आपको दोनों जगह सॉकेट मिल जाएंगे, इधर भी सॉकेट है, इधर भी सॉकेट है, इधर भी सॉकेट है, कहीं भी पीजी जाएंगे पूरे बेंगलोर में। सेकेंड चीज़ जो आपको मिलता है, कवर्ड। मोस्टली मैंने देखा है अगर कि आप स्टूडेंट लाइफ से डायरेक्टली शिफ्ट होते तो आपको कवर्ड पहले नहीं मिलते थे, बट इधर प्रोफेशनल ऐसा आपको पूरा कवर्ड देते हैं, ये देख लीजिए, और वुडन पूरा है, एक ड्रॉज है और एक ये है, एक ये है। अगर कि आपको मेटल की कहीं मिलती है, इस पे मत देखना यार, मेरी ये दोस्त की है जो रूम मेट रखा था, ठीक है, वाइन की बॉटल है वैसे वो, तो ये सब रहता है। ठीक है, मैं इसको ओपन करता हूँ, एक ये है, मतलब 3 जने का 3 तबाट हम लोगों ने इसको बांट लिया है। ठीक, एक टॉयलेट मिलती है सिंपली। तो जो भी अभी रिसेंटली न्यू पीजी बने रहेंगे तो उधर आपको वुडन का पूरा कबोर्ड मिलता है, बट अगर कि आप ओल्ड पीजी जाते हैं तो आपको उसमें मेटल का मिलता है। तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि मेटल का जो कवर्ड है आप मत लीजिए, उसमें कॉकरोचेस की दिक्कत होती है, जो वुडन वाले में उसमें कम होती है, होती है इसमें भी है बट इसमें कम होती है, आपके मॉइस्चर कम लगता है कपड़ों में, सेफ़ रहते हैं चीज़, फिनाइल की गोली रख सकते हो तो वो अच्छा जो मॉइस्चर रहता है वो पकड़ता नहीं है। मेटल में बहुत इशू होता है, इसलिए मैं बोलूँगा जहाँ पे पीजी आप रह रहे हो 500 रुपये के चक्कर मत देखो, मेटल का मत लेना। सेकेंड चीज़ ये बताऊँगा, जो अभी आजकल जो नए पीजी वाले हैं ना, वो ये जो आप देख रहे हैं ना गद्दा, ये देखिए फॉर्म का दे रहे हैं जो भी नए पीजी वाले हैं, ठीक है, बट ओल्ड पीजी में क्या रहता था, जैसे ये ओल्ड पीजी का, पहले ये ओल्ड पीजी था तो इसमें जो जूट का वाला गद्दा रहता था वो मिलता था, सेम इश्यू उसमें भी होता था, मॉइस्चर होता था और कॉकरोचेस होते हैं, बट अब इसमें नहीं होता है। तो जहाँ पे भी आप पीजी ले रहे हो अगर कि आपको फॉर्म वाला मिल रहा है तो आप उस पर ही स्विच करिए। अब मैं आपको थोड़ा बेसिकली बता दे रहा हूँ कि एक बैचलर लाइफ कैसे रहती है सिंपली। तो भाई बैचलर लाइफ बहुत ही, मैं मानोगे ना, बहुत ही प्यारी रहती है। अगर कि आप देखोगे ना इसको एंजॉय करना तो 1-2 साल आप एंजॉय करो ना, बहुत सही रहता है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या रहता है, ये कॉमन है यार, बंदा परफ्यूम, लॉट्स ऑफ परफ्यूम रखता है, आप ही देख सकते हो टेबल पे 3 परफ्यूम है। ठीक है, सेकंड चीज़ क्या होता है, एक आपको आयरन मिल जाएगा कॉमन है, एक आपको पानी गर्म करने का एक केटली मिल जाएगी जो आपके मैगी और ये सब बनाने में काम आएगा। ठीक है,
अनियन मिर्ची ये सब रखते हैं यार, क्योंकि मैगी वैगी बनाना कुछ बनाना खाना जिस दिन अच्छा नहीं रहता उस दिन हम इसका यूज़ करते हैं। थाली आपको लेनी ही पड़ती है क्योंकि ऑब्वियसली जब आप पीजी रूम से आते हो इधर कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि आपकी थाली कोई धो के देगा, आपको अपनी थाली लेके आना पड़ेगी, आपको वॉश करना पड़ेगा, वो ही सब उसी थाली पे ही करना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग जो डी मार्ट बहुत फेमस जगह है इधर, जहाँ पे हर लोग को इधर से ग्रॉसरी आइटम खरीदता है, नॉर्मली दुकान से भी खरीदते हैं बट डी मार्ट से हम स्टॉक में लेके आते हैं, जहाँ पे अधिकांश मूँगफली मिलेगा आपको। ठीक है, गुड़ लेके आते हैं क्योंकि मूँगफली गुड़ चना खाते हैं जो बॉयज़ रहते हैं। ठीक है, दाल ऑब्वियसली यार क्योंकि बॉडी बनाना हम लोग को यार, ठीक है बॉडी पे थोड़ा काम रहता है तो दाल वाल लेके आते हैं रोज़, जो रात को उस हर एक बैचलर लाइफ में ऐसा होता ही होता है। ठीक है, सबसे बेस्ट चीज़ क्या रहती है, एक्सटेंशन। क्यों? क्योंकि मल्टीपल हमें लैपटॉप चार्जर सब कनेक्ट करना पड़ता है, इसलिए एक्सटेंशन की ज़रूरत पड़ती है। एक अच्छी टेबल की बहुत ही ज़रूरत है। ये आप देख रहे हो ना मेडिसिन, ये मेडिसिन किस चीज़ की है? ये मेडिसिन है हेयर फॉल की। इधर आप कोई सी पीजी में जाओगे बेंगलोर में हर एक लड़के के बाल गिरते हैं, क्योंकि इसका रीज़न बिहाइंड दिस इसका जो वाटर है, क्योंकि जो वाटर है टैंकर से आते हैं उसमें हाई मात्रा में क्लोरीन रहता है, इसके कारण से बाल आपके नरिश नहीं रहेंगे तो ये सब दिक्कत आता है। ये मैंने कैलेंडर लेके आया था यार, वो तो सिंपली मेरे को डेट की जरूरत है, हिंदी कैलेंडर इधर हिंदी नहीं रहते इसलिए ले लिया था। ठीक है, ये छुट्टी पर ट्रस्ट मत करना, इधर छुट्टी वुट्टी कुछ नहीं मिलती ज़्यादा, जो नेशनल हॉलीडेज है वही रहती है, जो बहुत फेमस जैसे दिवाली बड़े बड़े फेस्टिवल रहती है उसी की छुट्टी रहती है। सेकेंड चीज़, आपको एक अगर कि आपने कोई से भी क्लब ज्वाइन करा है तो ऑब्वियसली आपके पास या तो स्नूकर का होएगा आपकी स्टिक होएगी, या आपके पास बैडमिंटन जैसे हम लोग पास बैडमिंटन का है, या आपके पास एक बैड होएगा। ठीक है, या अगर कि आप गेमिंग शौकीन हैं तो आपके पास एक अच्छा खासा एक गेमिंग लैपटॉप होएगा, जहाँ पे अच्छा खासा एक टेबल होती है। बंदे जैसे मेरे ऊपर वाले बंदे हैं सात वाले हैं वो गेमिंग के शौकीन हैं। ठीक है, ये आप देख ले रहो, ये सब वन वीक में वॉशिंग मशीन मिलती है, बहुत अच्छा है। मालूम है सबसे अच्छा तरीका, सबसे अच्छी चीज़ जो इस बेंगलोर में है वो ये है कि आपको एक वॉशिंग मशीन मिलती है, कॉमन किचन मिलती है, पानी मिलता है, इंटरनेट फुल इंटरनेट मिलता है, नो इलेक्ट्रिसिटी बिल, मतलब अगर कि आप 6,000 में रह रहे हो 6,500 में तो आपको सब कुछ मिलेगा। खाना आपको 3 टाइम और 7 दिन, इट मीन्स आपको पूरे महीने खाने मिलना है। ऐसा नहीं है कि एक दिन खाना नहीं है, छुट्टी है, बाहर खाना है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो 6,500 में सब कवर रहता है। और अगर कि आप मेन्यू कार्ड देखोगे तो वो भी बहुत औसम रहता है। मॉर्निंग से स्टार्ट होता है, मॉर्निंग में आपको इडली मिलती है, एक दिन इडली मिलती है, एक दिन डोसा मिलेगा, एक दिन आपको पराठा मिलेगा, एक दिन पूड़ी मिलेगा, एक दिन पोहा मिलेगा, एक दिन आपको कुछ हलवा मिलेगा मीठा या नमकीन वाला, और आई थिंक एक दिन अपना हाँ जो डोसे से ही चीला कुछ बनता, मेरे को पता नहीं इधर क्या बोलते हैं, एक वो मिलता है या पोंगल राइस रहता है, वो स्विच होता रहता है। ठीक है, दिन का मेन्यू बहुत सिंपल है, या तो आपको मसाला राइस मिलेगा या तो आपको दाल चावल मिलेगा, बस रोटी नहीं मिलती है। ठीक है, बात अपन की इवनिंग की बात करें तो रात को आपको हफ्ते में 4 दिन आपको रोटी मिलेगी, 2 दिन उसकी छुट्टी रहती है, तो उसमें आपको कुछ बिरयानी और पुलाव खिलाते हैं। बिरयानी बहुत कम रहती है, महीने में एक बार मिलती है, अधिकांश पुलाव ही खिलाते हैं। ठीक है, नॉनवेज में देखोगे तो संडे को आपको नॉनवेज मिलेगा और पनीर मिलेगा, दोनों में से आप एक चीज़ ले सकते हैं। साथ ही साथ वेडनेसडे को एक अंडा और आपको पनीर का सब्ज़ी मिलता है। ठीक है, ये पूरे बेंगलोर में कॉमन है। ठीक है, मैं वही चीज़ बता रहा हूँ जो पूरे बेंगलोर में कॉमन मिलेगी। लाइट है, 2 लाइट अधिकांश मिली जाती है, नहीं मिलती है तो पीजी वाले से ओनर लड़ना पड़ता है। अधिकांश इधर की जो पीजी ओनर है वो आंध्रा वाले रहते हैं, इट मीन्स वो लोकल के भी नहीं रहते हैं, लोकल की बस बिल्डिंग रहती है और उनको जो रन करते हैं वो आंध्रा वाले करते हैं। एक फ़ैन मिलेगा, सॉलिड है, टेम्परेचर ज़्यादा राइज नहीं करता इधर, ये आप देख ले रहे हो। मैं 5th फ्लोर में हूँ स्टिल, जो मौसम है अभी भी रेनी टाइप का हो रहा है, क्लाउडी मौसम है यार। ये कवर्ड अच्छी खासी कवर्ड देते हैं जो ऑलमोस्ट यार सबको मिलेगा, आपके रूम में भी होएगा, आप देखा जाओगे तो जो अपने स्लीपर से क्लॉक्स आप वॉश करके इधर ही रखते हो। ठीक है, मैंने जो रखे हैं ये सब हो गया। तो बॉयज़ का पीजी थोड़ा ऐसे ही रहता है यार, कोई जज मत करना कि अनहाइजीन है, हाइजीन तो पूरा है बट थोड़ा शफल है, चीज़ इधर की उधर रखी है क्योंकि भाई आलस बहुत बड़ी चीज़ है हम लोग के में। एक बार चीज़ जहाँ रख दी तो रखी रहती है, इट मीन्स मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि जो नीचे बॉटल देख रहे हो, ये आप जो कप बॉटल आई थिंक फेंकी है इसमें। ठीक है, तो इधर जो चीज़ रखी है तो रखी रहती है, कोई नहीं हटाता यार। ठीक है, अनयूज्ड बहुत सारी चीज़ रहती है, ये मेडिसिन रखी है तो रखी है। ठीक है, कपड़े रखें जो डेली पहनना है वो हम उधर रखते हैं, जो ऑफिस में पहन के जाना है, जो कभी कभी हमें अगर कि कहीं जाना है, क्लब जाना है, कुछ जाना है या बाहर घूमने जाना है तो उसके अंदर रखे रहते हैं ये कबर्ड में।
ठीक है, और नॉर्मल सब अपने अपने अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं। देखो लैप ही चालू रहता है, अगर कि आप पीजी में रह रहे हो, आईटी में काम कर रहे हो, तो आपके पास लैप ही होएगा ही होगा, एक अच्छा सा हेडफोन एयरफोन रहेगा, मोबाइल है जो जैसे मैं शूट कर रहा हूँ, एक अंदर एक रस्सी लगी रहती है। बट ये ही एक मज़ा है, बट इसका भी एक दी एंड है, आज नहीं तो कल इसका भी दी एंड होना है। हम लोग भी स्विच होएंगे, एक अच्छे रूम में जाएंगे, फिर उससे एक नया लाइफ चालू होएगा। बट यही है, आप इसको इन्जॉय कर सकते हैं। हर कोई को स्टार्ट करना चाहिए पहले 3 शेयरिंग से। मैं इसका रीज़न बता दे रहा हूँ, क्योंकि आप जो आपका मेंटली प्रेशर है ना, जो आपका मेंटल स्टेबिलिटी है कि आप कैसे लोगों से डील करते हो, आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, वह फेस करना सीखोगे 3 शेयरिंग से। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि 4 शेयरिंग 5 शेयरिंग में आप कोई होटल में या उसमें रहो धर्मशाला टाइप के, 3 शेयरिंग सफिशेंट है। 6,000 रुपये लगते हैं, ज़्यादा ज़्यादा सस्ते में जाओगे 5.5 से स्टार्ट होगा, ठीक है। अच्छे पीजी में जाओगे जो बहुत ही महंगे हैं, उधर 3 शेयरिंग नहीं होता है, उधर 8,000 से ही स्टार्ट होता है, ठीक है। 7,000 से भी मिल जाता है सिंगल रूम, आपको 8-9 हज़ार में मिल जाता है आराम से खाने के साथ, ये जो सबका कॉमन है, ठीक है। ऊपर जो डब्बे हैं फ्लिपकार्ट के ऑर्डर वाले हैं, कुछ इंडक्शन कुकर के हैं, वो पड़े रहते हैं। 3 शेयरिंग से स्टार्ट करो, आगे जाके आपकी पेमेंट बढ़ेगी तो 2 शेयरिंग में जाओ, 2 शेयरिंग के बाद आप ऑब्वियसली आपकी पेमेंट बढ़ेगी, तो आइदर आप सिंगल शेयरिंग में जाओ, या आपको फैमिली को बुलाना है तो आपको 1 आर के ले सकते हो, जहाँ पे एक रूम किचन मिलेगा। अदरवाइज़ आप एक सिंपली, अगर कि आपकी कोई बंदी है तो कोलिम में रहिए, नहीं तो आप सिंपल सा 1 BHK मकान लीजिए, मम्मी पापा को बुलाइए, इंजॉय करिए, खाना खाइए, घुमाइए उनको। बेसिकली अगर इधर के लोग जो साउथ में आते हैं, जो नॉर्थ के लोग हैं, वो पूरा साउथ घुमाते हैं, जहाँ पे आपका बालाजी मंदिर हुआ, तिरुपति बालाजी मंदिर हुआ, और कन्याकुमारी के जो लास्ट एंड पॉइंट है, वो बहुत ही अच्छी जगह है, ठीक है। घूमने को बहुत अच्छा जगह है साउथ में, सब यूनिक मिलेगा, ठीक है। पढ़ाई नहीं रुकना चाहिए, अगर कि आपको स्टेबिलिटी चाहिए आपके आईटी कल्चर में, आईटी फील्ड में आपको अपनी ग्रोथ चाहिए, तो कंटिन्यूस आपको पढ़ाई करना पड़ता रहता है यार। जैसे देख लो, मैं भी कर ही रहा था, बस थोड़ा सा मन हुआ कि क्यों ना कुछ बना जाए, क्योंकि आई थिंक मेरे को भी लग रहा है 1 साल बाद मैं आई थिंक 2 बेड से मैं आई थिंक 1 RK या उसमें स्विच हो सकता हूँ, इसलिए एक छोटा सा ब्लॉग बना लिया था जिसको कैप्चर करना था मेरे को। बस यही एक लाइफ है, बहुत प्यारी लाइफ रहती है। अगर कि मैं दिखाऊं कि मेरे कवर्ड में क्या क्या है, तो पहले मैं दोस्त के कवर्ड से दिखाता हूँ। तो भाई ये तो खाली है, बंदा थोड़ा तो शौकीन है, इसलिए थोड़ी वोट का तो नहीं है, क्या वाइन है शायद, हाँ वाइन है, कुछ मैगीज हैं, कुछ ट्रीटमेंट वाले सामान है, बस सिंपल सा है यार। बाकी देखो ड्राई फ्रूट्स हैं, ऑब्वियसली यार इधर का बंदा खाता है यार, ठीक है। ये मेरा कवर्ड है, ये जो भरा है भाई बहुत ही ज़्यादा, जहाँ पे मेरे कुछ घर के बैग्स हैं, चना है, जो काम की चीज़ है, मेरे कपड़े। अरे यार देखो यार, यही अगर गर्ल्स कोई कोई होता ना, बहुत अच्छा सजा के रखती है वो, देख लो। घड़ी है, स्मार्ट वॉच है, हर कोई के पास रहेगी, परफ्यूम्स है, कुछ इधर लोशंस हैं, क्रीम है, ड्राई फ्रूट्स हैं जो भूख लगती है तो काम आते ही हैं, एक ड्रॉज है जो कुछ नहीं है, बाकी पूरा कॉस्मेटिक है। ये देख लो जहाँ पे बस फालतू का आइटम भरा है, एक बाल्टी है, और यही सब बताना है। अरे भाई छोटे से रूम में क्या होएगा, आई थिंक अगर कि इसका मेजरमेंट करोगे तो आई थिंक 2 फिट की टाइल्स होती है, तो 1 2 इधर से गिनता हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6 7 7 × 14 14 फिट, मतलब का ये रूम है, 1 2 3 4 5 6 7 14 × 14 का रूम है, मतलब यहाँ पे एक लेट बाथ अटैच है, टीवी साथ में है, वाईफाई है, बस इतना ही यार। आई थिंक आप अगर कि अपना न्यू लाइफ इनिशिएट कर रहे हो तो बहुत सही जगह है बेंगलोर, इसलिए लोग बेंगलोर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मोस्ट वेलकम टू बेंगलोर, आप आइए इंजॉय करिए, पीजी होना से ज़्यादा लड़िए मत, क्योंकि मैं लड़ चुका हूँ, कुछ मतलब नहीं होता, आप भी मत लड़िए, आराम से रहिए, सॉरी यार, ठीक है। ये सब है, और आई थिंक वेल मेंटेन है सब कुछ यार। अगर यही अगर कोई बंदी का रूम होता ना, तो सीरियसली इधर फूल वाले चादर होते हैं वाइट और रेड के, बढ़िया में पूरे कपड़े लगे रहते हैं अच्छे अच्छे, और सब कुछ सिस्टमेटिक रहता है। भाई एक बॉयज़ का कंपेयर करोगे यार तो देख लो यार, ऐसा ही है यार, क्या करोगे यार। थोड़ी सी वॉल गंदी है, उस पर मत जाना यार, क्योंकि तो मॉइस्चर है, बहुत कॉमन है उधर से बारिश का पानी आता तो जमा हो जाता है, आई डोंट केयर, इतना मत सोचो, सब
कोई परमानेंट नहीं है, आपका घर नहीं है, सिर्फ आप चीज़ को आपका लाइफ का ये भी पार्ट नहीं है, ये लाइफ का एक मोशन है, आएगा निकल जाएगा। ठीक है, उससे पहले मैंने 4 पीजी बदल चुके हूँ, चारों में सबका एक्सपीरियंस बहुत ही अलग था। फर्स्ट पीजी में गया था, वर्स्ट पीजी था, कॉकरोच 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 छोड़ दिया दूसरे दिन ही। दूसरे पीजी में गया, उधर रहा अच्छा, 7,000 रुपये था 3 शेयरिंग का स्टिल, क्योंकि जहाँ से मेरे को पढ़ाई कर रहा था उसके पास था। देन उसको जॉब लगी, छोड़ा, नेक्स्ट पीजी गया, नेक्स्ट पीजी गया, उधर भी अच्छा था, बालकनी थी, बहुत से अच्छा रूम था, बालकनी थी, सब कुछ था। पीजी ओनर से लड़ाई, छोड़ा, अब मैं इस पे आ गया। तो ब्रो यही है, मैं एंड करता हूँ, आप भी इंजॉय करो लाइफ को, ठीक है, ओके ओके, बाय, टाटा।